जब आप फ्लाइट टिकट के प्राइसेस चेक करते हो तो अलग प्राइस आता है, और जब बुकिंग कराने जाते हो तो प्राइस अचानक से बढ़ जाता है। ऐसा क्यों? कन्वीनियंस फीस होगी। सिर्फ वही नहीं, और भी बहुत सारे चार्जेस हैं। इतने सारे चार्जेस? और ये क्यूट चार्जेस, इनको कैसे पता मैं इतना क्यूट हूँ? अरे पगले, क्यूट चार्जेस मतलब कॉमन यूजर टर्मिनल इक्विपमेंट चार्ज। ये होता है 50 रुपए जो आप देते हो एयरपोर्ट यूज करने के लिए, ना कि तेरी क्यूटनेस के लिए। नेक्स्ट है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम चार्ज 50 रुपए का, ताकि देश में और छोटे छोटे एयरपोर्ट सरकार डेवलप करता है। नेक्स्ट पैसेंजर सर्विस चार्ज, जो मुझे ज्यादातर टिकट में 91 रुपीज दिखा। एयरपोर्ट पर आपका अच्छे से सिक्योरिटी चेक भी होगा, वो करता है CISF, जिसके लिए वो लेता है 236 रुपए पर पैसेंजर चार्ज। नेक्स्ट इन लाइन है यूजर डेवलपमेंट फीस, यानी एयरपोर्ट का जो मॉडर्नाइजेशन है उसके लिए आपसे जो चार्ज इकट्ठा किया जा रहा है। दिल्ली से चलने वाली फ्लाइट के लिए 62 रुपए, मुंबई के लिए 142 और जयपुर के लिए 465। ये जो एडवांस पर्सनल इन्फॉर्मेशन फीस है, ये जब आप फॉरेन ट्रेवल कर रहे हो तब आपकी जो इन्फॉर्मेशन एडवांस में इकट्ठा किया जाता है उसके अगेंस्ट लिया जा रहा है। और लास्ट में आ रहा है GST, जो इकोनॉमिक क्लास के लिए 5% है और बिजनेस क्लास के लिए 12%। वैसे कुछ एयरपोर्ट्स हैं जहां इनमें से बहुत सारे चार्जेस नहीं लग रहे, जैसे जोधपुर में केवल 3 ही चार्जेस लग रहे हैं और देहरादून में केवल 2। यार छोड़ो ये फ्लाइट है, मैं ना पैदल ही चला जाऊंगा जागरूक टॉक सुनते सुनते।